So hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is RV and you are watching RV Travel Sphere. So guys, आज चलो मैं actually ये वाला late में shoot कर रहा हूँ क्योंकि already जो fix up है वो हो गया है and चलो मैं कुछ highlights tag में दे दूँगा because चलो पहले आप वो वाला clip सब देख लो उसके बाद बात करते हैं. मैंने यहाँ पर ड्राई होने के लिए रख दिया है तो अभी फिलहाल बहुत टाइम लगने वाला है बिकॉज ये ड्राई होगा 2-3 घंटे तो लगेगा. मैं एक दिन के लिए छोड़ दूंगा यहाँ पर तो लेट्स सी. तो चलो गाइस कैसा लगा वो वाला चीज़ तो अच्छे से बता बिकॉज एनफील्ड सुपर से मैं कैसे लगाया तो वो ऐसे ही लगाते हैं एंड अभी चलो फिलहाल जाते हैं एकदम बाहर एंड मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ. ग्लव्स पहनते हैं उसके बाद हेलमेट का जो सेटअप है अभी मैं LS2 पे ही पहन के जाऊंगा बिकॉज ये वाला अभी के सूखने के लिए और थोड़ा टाइम चाहिए तो ले लेते हैं. उसके बाद कल मैं एक टेस्ट करूंगा इसके साथ राइड के पहले तो लेट्स गो. डार्ट हो गया ये सब लग के ठीक है कोई नहीं सर डार्ट है तो फिलहाल बच्चा लोग तो एज यूजल यहाँ पर खेल रहे हैं तो बाइक को शायद मैं कल वॉश में दूंगा बिकॉज आज थोड़ा बिजी हूँ तो चलो पहले गाँव से पहन लेते हैं. एंड भाई सच्ची में बोलूँ यार जब मैं लगा रहा था मेरा हेलमेट में यार इतना डर लग रहा था ना मुझे मतलब इतना ख़राब भी लग रहा था मतलब जो नीट एंड क्लीनलीनेस था हेलमेट का वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है. फिर भी मैं कोशिश किया कि जितना अच्छा हो सके उतना ही मतलब पिन पॉइंट काम है तो ठीक है. मैं थंबनेल में तो पिक्चर दे दूँगा आप देख लेना. चलो अभी तो सच में यार ठंड तो बहुत बढ़ गया है यहाँ पर भी
तो इसलिए मैं ऑब्वियसली ये वाला ग्लास पहन के थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बिकॉज यार इतना बड़ा राइड है, जाना पड़ेगा यही पहन के मुझे। ठीक है, तो बहुत कंफर्टेबल है। एंड मैं एक्चुअली 20 रुपीज़ का जो एनफील्ड सुपर है वो लिया था, एंड बिलीव मी गाइस, मेरा तो मतलब 5 रुपये का भी नहीं लगा, मतलब अमाउंट जस्ट इतना सा लगा, उतने ही से मेरा पूरा काम हो गया। तो अभी फिलहाल ये वाला वीडियो उतना लेंदी तो नहीं होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो आप लोग। एंड कल शायद मैं और एक ब्लॉग बनाऊंगा जब मैं बाइक वॉश पे दूंगा, तो उसमें थोड़ा आप लोग के साथ बातें बातें हो जाएगा, एंड प्रिपरेशन भी कर लेंगे कल ही, बिकॉज मैं 25th एंड 26th में नहीं रहूँगा। कितना ख़राब रोड कंडीशन देखो, कब ठीक होगा यार। एंड एज यूजुअल मेरा डेविल एकदम रेडी फॉर द ट्रिप। अंकल जी देख के तो यार पूरा मक्खन हो चुका है। एंड मैं अभी फिलहाल थोड़ा टेंशन में हूँ, क्योंकि कैसा होगा इतना जो मैं लगा रहा हूँ ऐसे GoPro का जो होल्डर, इतना पैसा मतलब 1000 रुपये से वो वाला स्ट्रैप खरीदा था वो भी टूट गया, जो आप लोग ने देखे ही हो पिछला वाला व्लॉग में। एंड तो चलो अभी ये वाला माउंट से मुझे काम चलाना पड़ेगा अभी। एंड सच में बोलूँ तो यार माउंट ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, गिरने का चांसेस एकदम ज़ीरो है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा जो GoPro का जो मैं एक्सेसरी बॉक्स में ख़रीदा था उसमें एक्स्ट्रा माउंट भी था, तो उसी में से मैं एक लेके लगा लिया। चलो अभी ये वाला जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 23rd पे, आप लोग को मिल जाएगा 24th को, तो शो सम लव एंड अभी यार डायरेक्ट एक राउंड मार के छोटा सा। तो आई थिंक गाइज चलो ये वाला वीडियो उतना लेंदी तो नहीं होगा, मैं पहले ही बोला था। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बिकॉज यार सच में आज उतना व्लॉग मैं एंड नहीं कर पाऊँगा, तो थोड़ा जल्दी है। तो इसी नोट पे चलो ये वाला वीडियो यहीं पर ही क्लोज कर देते हैं। ठीक है यार, तो आप लोग को करना है क्या, सब्सक्राइब एंड जो रेड वाला जो बटन है उसको भी प्रेस कर दो, सब्सक्राइब वाला, एंड ऑब्वियसली लाइक द वीडियो एंड जितना हो सके शेयर करो। चलो राइड आउट एंड राइड सेफ एंड बाय।